हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुमिताज लिटिल गार्डन। फ्रेंड, आपके सामने फिर से मैं उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे कि पौधे हमारे क्यों मर जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं या सड़ जाते हैं। भाई, कोई पौधा हम नर्सरी से लाते हैं तो बड़े अरमानों के साथ, बड़ी खुशियों के साथ उसको हम लगाते हैं, पर अगर थोड़े दिनों बाद वो फूल ना दे, फल ना दे, सूख जाए तो मन को बहुत दुख होता है। लेकिन उसके पीछे कुछ रीज़न्स होते हैं जो हमें नहीं पता होते हैं। छोटे छोटे रीज़न होते हैं, लेकिन हम उस रीज़न से अनजान होते हैं तो हमारे पौधे मर जाते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूँगी कि हमारे पौधे क्यों ख़राब हो जाते हैं। तो स्टेप टू स्टेप मैं बताती हूँ। पहला रीज़न है फ्रेंड्स, हमें ज़्यादा पानी देने से भी पौधे मर जाते हैं और कम पानी देने की वजह से भी पौधे मर जाते हैं। इसलिए पौधे में पानी हमें बहुत अनुपात के साथ डालना चाहिए, जिससे कि ना पौधों में पानी ज़्यादा हो और ना कम हो। दूसरा रीज़न है ड्रेनेज होल। यस, पौधे में ड्रेनेज होल हमें चेक करना चाहिए, जिससे कि पानी की निकासी आराम से हो सके। अगर पौधे में ड्रेनेज होल बिल्कुल सही है तो पौधे का पानी आराम से निकलेगा, तो आपके पानी ज़्यादा भी हो जाएगा तो भी आपका पौधा नहीं मरेगा। फ्रेंड, तीसरा रीज़न है हार्ड मिट्टी का होना, यानी चिकनी मिट्टी का होना। अगर पौधों में बहुत चिकनी मिट्टी है तो पौधे की जो रूट होगी वो अच्छे से नहीं बढ़ेगी, इसलिए हमेशा वेल ट्रेंड मिट्टी का ही यूज़ करना चाहिए। चौथा रीज़न है हवा का चला चल होना, यानी हमें पौधे चाहे इंडोर रखें चाहे आउटडोर रखें, पौधों का में हवा का आवागमन सुचारू रूप से होना चाहिए। पांचवा रीज़न है पौधों का शौक में चले जाना। हम जब किसी नर्सरी से पौधा लाते हैं तो हमें डायरेक्ट नहीं लगाना चाहिए, उसे अपने गार्डन के इन्वायरमेंट में थोड़े दिन तक ढल जाना चाहिए, तब हमें पौधों को अपने पॉट में लगाना चाहिए। सिक्स रीज़न है फंगस आना। पौधे में फंगस लग जाती है या उसकी मिट्टी में फंगस लग जाती है, इसलिए हमें कोई भी 15 या 20 दिन में कोई भी फंगसाइड पाउडर या मेडिसिन डाल देनी चाहिए। सेवन रीज़न है कोई इंसेक्ट का अटैक होना, इसलिए पौधे में इंसेक्ट ना पड़े इसलिए हमें कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, हमें इसके लिए नीम ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए। 8 रीज़न है कि हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि जो हम प्लांट्स लाए नर्सरी से वो इंडोर है कि आउटडोर है। अक्सर अगर हमें ज्ञान नहीं होगा तो हम अगर गलत तरीके से पौधा लगा देंगे, यानी इंडोर प्लांट्स है उसको हम धूप में रख देते हैं तो भी वो मर जाएगा, और उसी प्रकार से अगर आउटडोर प्लांट्स है और उसको हम कमरे में ले जाके कॉर्नर पर लगा देंगे तो उस प्रकार से उस तरह का वो ह्यूमिडिटी उसको नहीं मिलेगी तो वो पौधा मर सकता है। 9 रीज़न है कि हमें समय समय पे एक साल के बाद पौधे की रूट बॉन्डिंग जो हो जाती है उसको हमें प्रूमिंग कर देनी चाहिए, जिससे कि पौधा अच्छे से उसकी जड़ विकास हो सके और वो अच्छे से बढ़ सके। लास्ट और 10th पॉइंट मेरा ये है कि आप हमेशा पौधों में ऑर्गेनिक चीज़ का यूज़ करें, केमिकल का यूज़ ना करें, क्योंकि केमिकल के ज़्यादा होने से पौधे में नुकसान हो सकता है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे जो मैंने 10 पॉइंट्स बताए हैं तो आपके पौधे कभी नहीं मरेंगे। और हाँ, और मेरा ये वीडियो, ये नॉलेज आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मुझे लाइक कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत हौसला मिलता है, मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ ये चीज़ ज़रूर आप बरकरार रखिए, लाइक और कमेंट्स करना ना भूलिए। और फिर मिलती है सुमिता आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।